देखिए, मैं तो राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को एक बेहतर स्टेटमेंट मानता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे देश को ऐसे ही पॉलिटिशियन की दरकार है आज, क्योंकि हर तरफ जो है पॉलिटिशियन होने का मतलब होता है सत्ता में होना, और सत्ता में होने का मतलब होता है अपने तरीके से लूट खसोट करना। येन केन प्रकारेण जनता की सेवा करने के बजाय, येन केन प्रकारेण जो है अपने जो जो उनको फंड करते हैं, या जो उनको लोग जो उनके लिए काम करते हैं चुनावों में दौड़ते भागते हैं, या अपने परिवार के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों की जमात है वो। तो देश में ज्यादातर पॉलिटिशियन जो है इसी तरीके के हैं, और हमारे समाज में जो जो धारणा बन गई है राजनीतिज्ञों को लेकर, कि राजनीतिज्ञ जो है वो करप्शन करने के लिए आते हैं सत्ता में, ये एक भाव बना हुआ। अगर बहुत पीछे जाएं थोड़ा सा आजादी के तुरंत बाद की बात, तो जवाहरलाल नेहरू के जो मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा था कि ये दुर्घटना हुई है और इसके लिए हम शायद योग्य नहीं है इतने कि हम संभाल पाए। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, और ये आदर्श जो है बहुत लंबे समय तक उसका उदाहरण पेश किया जाता रहा। आपको याद होगा वाजपेयी जी के समय में नीतीश कुमार ने दिया था इस्तीफा, और उसमें भी ये चर्चा हुई थी। हालांकि उस समय जो है, तो ये सारी बातें जो है आदर्श वाली ऐसी स्थिति, जैसे कि पीयूष जी कह रहे थे कि आदर्श वाली स्थिति आज हमारे समाज में नहीं है, लेकिन हमें इसे स्थापित करने की जरूरत है। आदर्श के बिना हम चल नहीं सकते। आप क्या, हम क्या, दूसरा अगर दलदल में कूद रहा है तो हम भी कूद जाएं। आज आप देखिए कि सारे राजनीतिक दल इसी उहापोह में लगे हैं कि हम सत्ता में कैसे आए। इवन कांग्रेस के जो साथी भाग भाग करके बीजेपी के साथ मिले, या दूसरी पार्टियां जहां सत्ता है, सत्ता में है, जो पार्टियां उस पार्टियों में जाके मिल जाते हैं, उनका मकसद क्या होता है? सत्ता में आना। और सत्ता में आने का मकसद होता है अपने लिए बड़ा स्पेस बनाना। तो ऐसे हालात में अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारा मकसद सत्ता में नहीं आना है, तो वो सत्ता लोलुपता से बचने की बात कर रहे हैं। सत्ता में नहीं आने का मतलब जो जनता की सेवा करने का भाव एक राजनीतिज्ञ में होना चाहिए, उससे भागने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो उससे भागने की बात कर रहे होते तो वो जो मायावती का जो जिक्र छेड़ा उन्होंने, जो किताब के उद्घाटन में विमोचन में आए और जो जितनी बातें कही उन्होंने, उन्होंने जो कहा, एक पीड़ा भी देखी उसमें दिखी है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देश ने हमको बहुत प्यार दिया, लेकिन देश ने हमको बहुत मारा पीटा भी। तो राहुल गांधी को जिस तरह से हमारे देश में जिस तरीके से अपमानित किया गया, जिस तरीके से उनके बारे में पप्पू है या सही व्यक्ति नहीं है, या पता नहीं कि अब क्या करता है, छुट्टी मनाने जा चला जाता है, वगैरह 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 क्या नहीं कहा गया। मुझे तो लगता है ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाता या कोई दूसरा रूप ले लेता, लेकिन वो अपना धैर्य उन्होंने अपना नहीं खोया है, अपना संयम नहीं खोया है, अपना मनोबल नहीं खोया है। और आज भी अगर वो सत्ता की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, आदर्श राजनीति की बात कर रहे हैं, और बड़े प्यार से जो उनके दुश्मन है, जिनको जिन्होंने उनके लिए हर जगह खाई खोदी, हर जगह अपमानित होने वाले शब्द कहे, उनके प्रति भी अगर वो सहज सरल भाव व्यक्त करते हैं, तो मुझे लगता है उस तरीके की बात हो रही है। वैसे राजनेता की तरह वो है मुझे दिखाई पड़ते हैं, कि गांधी ने राजनेता को जिस रूप में देखा था, सत्य के बिना राजनेता की कल्पना गांधी ने नहीं की थी। तो आज हम चारों तरफ झूठ देख रहे हैं, हम जनता भी झूठ में लिप्त है, और हमारे जो शीर्ष नेता है वो भी झूठ झूठ में लिप्त है। संसद में झूठ जो है सर्वव्यापी है, कोन कोने कोने में झूठ बोला जा रहा है। वैसी परिस्थिति में, वैसे हालात में एक व्यक्ति अगर सच बोलता है, सच के साथ चल रहा है, और वो अगर कमजोर लगता है आपको, तो मुझे लगता है ये हमारी कमजोरी है, उस नेता की कमजोरी नहीं है। आज आप देखिए जिस तरह से वो बोल रहे थे, उनके चेहरे पर आप भाव देखिए, कोई घबराहट का भाव नहीं था, कोई हताशा वाला भाव नहीं था, वो स्पष्ट बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह की राजनीति का पिछले कुछ सालों में, मतलब 2-3 साल से देख लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, और जिस तरह से उभर के आए हैं वापस, वो बड़े ही जो है बेहतर स्थिति में है। और मुझे लगता है आगे जनता उनको और लोकप्रिय, जनता के बीच लोकप्रिय होंगे, जनता उनकी राजनीति को पसंद करेगी। धनंजय जी आपके